माया के लिए वेद में लिखा गया कि माया तो प्रतिदिन विद्यमानम तु महेश्वरा तस्यावयभूत सुव्याप्तम सर्वविदम जगत श्वेत स्वरूप के चौथे अध्याय का दसवां मंत्र न तस्य कार्यकारणं च विद्यते न तत्समस्या विदिकस्य विष्यते परास्य शक्तिर विविधेषु इति स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रिया च श्वेत स्वरूप निषद के छठवें अध्याय का आठवां मंत्र ये माया अजा है अजामेकाम लोहित शुक्ल कृष्णाम भवी प्रजा सृजमानाम स्वरूपा अजो हे गो दुष्माणो ऋणुषेते दाते नाम भुक्त भोगाम जोन्या श्वेत स्वरूप निषद के चौथे अध्याय का पांचवा मंत्र ये अजा है माया और चरम प्रधान मृता चरम हर चरात्माना विष्टे देवेका तस्या विद्यानाद योजना तत्व भावाद भूयश्चान्ते विश्वमाया निवृत्ति श्वेत स्वरूप निषद के पहले अध्याय का दसवां मंत्र ये माया एक ब्रह्म है ये तीन तत्व जो अनादि अनंत शाश्वत है ना उनमें से एक है माया संयुक्त में तत्चरमक्षरम च व्यक्ता व्यक्तम वर्ते विश्वमीशा श्वेत स्वरूप निषद के पहले अध्याय का आठवां मंत्र और ज्ञाज्ञ द्वावजा श्वेत स्वरूप निषद के पहले अध्याय का नौवां मंत्र ये माया जो है ये अजा है और त्रिगुणात्मिका है ये तीन रंग की माया है यही बात गीता में भी कही गई देवी हेशा गुणमयी मम माया दुरत्तया मामे वे प्रपद्यन्ते माया मेताम तरंतिते गीता के सातवें अध्याय का चौदहवां श्लोक फिर कहते हैं भगवान भूमि राको डल्लो वायु खम मन बुद्धि रेव च अहंकार में भिन्ना पृथ्वी रष्ट था जीव भूत महाबाहो यदेदम धारते जगत अपने पृथ्वन्या पृथ्वी में परा गीता के सातवें अध्याय का चौथा एवं पांचवां श्लोक अर्थात ये माया अनादि अनंत शाश्वत है जैसे भगवान